वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का वीडियो जो है उसमें मैं कुछ DIY प्रोजेक्ट करने वाली हूँ। ये ऑलरेडी मैं अपना हाफ वर्क जो है वो कर चुकी हूँ। ये मैंने जो वाइट सीमेंट आती है उससे एक खाली कंटेनर था शैम्पू की बोतल, और उस पर मैं कलर कर रही हूँ। ये ऐसा है, मैंने इसको बहुत ही ऐसे फिनिशिंग नहीं दी है, तो मुझे इसका ऐसा ही टेक्सचर चाहिए था जो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा हो। और साथ ही ये मैंने एक प्लांटर स्टैंड बनाया है, इसको मैं एक बार पेंट करके, ऑयल पेंट करके दोबारा से मैंने थिनर का कोट किया है। अब इसके बाद इस पर दोबारा से पेंट होगा। और ये जो है ये मुझे सबसे क्यूट लग रहा है, सबसे प्यारा लग रहा है। ये मैंने एक पुराना जो वेस्ट टॉवल था उसको वाइट सीमेंट के का जो घोल बनाया और उसमें इसको डिप करके अच्छे से, और एक बोतल पे वापस इस तरह से ऐसे लटका के इसकी शेप दे दी, और ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। सो अभी मैं इनको थोड़ा सा कलर और पेंट करके दिखाती हूँ ये कैसे लगते हैं। इनके पीछे का रीजन यही है ये इस तरह के DIYs बनाने का, बिकॉज जब हम इस तरह का स्टैंड भी लेने जाते हैं बहुत कॉस्टली मिलता है, और क्योंकि जिनको गार्डनिंग या फिर DIYs का शौक होता है उनको बहुत ही लो बजट में चीज़ें करने में मज़ा आता है, और क्योंकि जो चीज़ें आप खुद बनाते हो उनसे एक पर्सनल टच भी होता है, तो वो डेफिनेटली एक अलग ही फील आपको देती है। ओके, सो मैं इसमें यूज कर रही हूँ ये स्प्रे पेंट जो है गोल्ड की, और ऑनलाइन तो स्प्रे पेंट जो ये है सेंप्रो स्प्रे पेंट जो है वो काफ़ी कॉस्टली आती है। ऑनलाइन मैंने चेक किया अराउंड 300-350 ऐसे, लेकिन मैंने ये जो ली है ये शॉप से ली है और वहाँ पे मुझे मिली है 160, जो कि बहुत ही रिजनेबल है। सो मास्क पहन ले तो बेटर होगा, शायद मुझे मास्क दे देना। ये हो गया, अब इसको मैं सूखने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। आई होप ये बहुत प्यारा पीस लगे। अब मैं इसको कलर करने वाली हूँ, सेम मेथड है। और मैंने बहुत ही बेसिक से DIY बनाने ट्राई किए थे, बट मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा ये जो DIY का आइडिया है ये बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुली टर्न आउट होगा। सो जो मैंने अभी बनाए हैं, प्रोसेस आपको आगे के वीडियो में पता चलेगा मैंने क्या और कैसे किया है, लेकिन सबसे बेस्ट है ये वाला, मेरा सबसे फेवरेट है इन सब में। ये मेरे पास एक फोटो फ्रेम थी जिसमें मैंने इसको लगाया है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कैसा आ रहा है। ये शैरन किसी उस पर पेंट कर रही थी और जस्ट इसने इसको अपनी ब्रश बार बार साफ करनी थी तो वो इस पेपर पे साफ करती गई और ऐसा ये दिख रहा है। लुक एट दिस, ये बहुत प्यारा लग रहा है। व्हाइट वॉल पे अगर इस तरह की आप लगाते हो तो ये बेस्ट फेवरेट में है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। सेकंड, मैंने ये जितने भी DIY थे इनमें ये गोल्डन स्प्रे पेंट है जिसको मैंने यूज किया है।
सबसे छोटा जो मैंने बनाया है DIY वो है ये एक होल्डर है, लकड़ी का प्लांट होल्डर है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। ये छोटे प्लांटर्स के लिए है और ये मेरे कुछ न्यू एडिशन है फर्म के प्लांट जो मैं लेके आई हूँ। और ये है मेरा दूसरा DIY। So, ये मेरा सेकेंड DIY है। ये देखिए, ये मैंने व्हाइट सीमेंट से बनाया था और एक पुराना टॉवल था जिस पे मैंने इसको बनाया था। So, ये बहुत सुंदर बन के आया है। और जो टावल पे व्हाइट जो रुए होते हैं वो उनसे एक अलग ही टेक्सचर निकल के आया है जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। और इसमें आप जैसे चाहे उस तरह से या तो आप कोई प्लांट अंदर लगा सकते हैं, बट बेटर होगा कि प्लांट आप किसी प्लांटर में लगा के फिर लगाएं कि इसमें वाटर किसी भी तरह से लीकेज ना हो उसकी। और लास्ट है ये वाला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक वेस्ट शैम्पू बोतल थी जिसको मैंने एक वाइट सीमेंट से कोट करके और मैंने इसको कलर कर दिया। आई लव ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, ऑल दीज DIY। So, इसको तो मैं भूल ही गई थी, ये मेरा जो DIY है ये मैंने जूट की जो रोप होती है उससे बनाया है। एकदम वेस्ट कोई 5 लीटर की वाटर बोतल होती है उसके ऊपर मैंने इसको जूट गन वो ग्लू गन से और जूट चारों तरफ इसके लपेट के अच्छे से बना दिया। और ये देखिए, जहाँ जहाँ मुझे एजेस दिख रहे थे वहाँ पे वाइट सीमेंट लगा के और गोल्डन पेंट कर दिया है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप इनमें अपने मन चाहे प्लांट्स लगा सकते हैं और किसी भी तरह आप इनको डेकोरेट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you so much everyone for watching our video. If you like the video then do hit the like button, subscribe to our channel, comment down below and share it with your friends. And do try these DIYs, they are not so costly and they look amazing.